आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गोर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत कल से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं टर्म एंड कंडीशन में। दो क्राइटेरिया को चेंज किया गया है, तो वो दो क्राइटेरिया क्या है, पहले हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक क्लिप आपको बता देते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए, फिर डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज लाडली बहना का दिन है क्योंकि दो क्राइटेरिया में हमने परिवर्तन किया। एक 21 से लेकर 23 साल तक की बेटियां छूट गई थी, हमने तय किया कि 21 से 23 साल तक की जो हमारी विवाहित बेटियां हैं वो भी लाडली बहना योजना में शामिल होंगी। और एक फोर व्हीलर क्राइटेरिया था, उसमें ट्रैक्टर भी आ गया था, लेकिन कि छोटे किसानों के पास भी ट्रैक्टर है जो अपने खेत के साथ साथ किराए पर भी खेती बाड़ी में ट्रैक्टर चला के अपनी आजीविका चलाते हैं। और इसलिए 5 एकड़ तक के जो किसान हैं उनके पास ट्रैक्टर भी हो, तो ऐसी बहनें जो छूट गई थी वो लाडली बहना योजना में सम्मिलित होंगी। तो जैसे कि आपने क्लिप में सुना होगा कि अब 21 वर्ष से 23 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकती है, उनके लिए कोई क्राइटेरिया जो है वो चेंज नहीं किया है, परंतु जो 23 से लेकर 60 वर्ष की महिलाएं हैं उनके पास अगर 5 एकड़ से कम जमीन है और ट्रैक्टर भी है तो ये आवेदन कर सकती है। ठीक है, 5 एकड़ से ऊपर वाली आवेदन नहीं कर सकती, पर अगर 23 से लेकर जो है वो 60 वर्ष की उम्र है तो उनके पास अगर ट्रैक्टर नहीं है तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप आवेदन भरने जाओगे, ऑनलाइन जब आवेदन करोगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा ट्रैक्टर नंबर का। ठीक है, ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर का, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें आप जैसे ही डालोगे आपकी पूरी डिटेल को कैप्चर कर लेगा। जैसे कि आपने कोई भी जैसे कि सीखो कमाओ या जनसेवा मित्र का आवेदन किया होगा तो उसमें आप जैसे ही समग्र आईडी डालते थे आपकी पूरी जानकारी कैप्चर कर लेता, तो उसी प्रकार इसमें भी है। जो महिलाएं 23 वर्ष से अधिक की उम्र वाली हैं उनके में जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें डायरेक्ट आपको ट्रैक्टर का नंबर डालने का ऑप्शन देगा, परंतु 21 से लेकर 23 वर्ष की जो महिलाएं उनमें ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन नहीं है। तो अगर इससे संबंधित कोई अपडेट आती है कि जिनकी उम्र 23 से 60 वर्ष है और उनके पास ट्रैक्टर नहीं है तो उनके आवेदन होंगे या नहीं, तो अभी उनके आवेदन नहीं हो रहे हैं। अगर कोई इससे रिलेटेड अपडेट आता है तो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।